ये एक दुखद सच्चाई है कि किसान की चिंता और अनिश्चितता फसल उगाने और उसकी कटाई हो जाने पर भी खत्म नहीं हो पाती है। सही कीमत पर फसल बिकने की फिक्र के साथ ये बाजार या मंडी आते हैं। छोटे किसानों के लिए ये चिंता और भी बड़ी होती है। मंडी तक फसल ले जाना यानी ढुलाई पर खर्च, समय की बर्बादी, नमी और अशुद्धि के नाम पर मनमानी कटौती और उसके बाद भी समय पर भुगतान न होना। पर आज परिस्थितियां बदल रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से देश के कई राज्यों में छोटे और सीमांत महिला किसानों के द्वारा बनाई गई उत्पादक कंपनियों ने मंडी और बिचौलियों पर सदस्य किसानों की निर्भरता को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आर्थिक सहयोग से इन कंपनियों का गठन हुआ है और फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स यानी FDRVC इन कंपनियों को तकनीकी सहायता दे रही है। Our mandate is to organize a few very successful farmers producer company or producer companies in north farm sector so that we can show to the others that this is the way forward, and that's what they've been trying to do. We have now entered into several states, entered into a variety of commodities, not just in the farm sector, as I said, into poultry, into handlooms. So I believe the beginning has been very strong. We take it as a project management approach. We put a lot of effort to understand the business opportunities, developing the business model, developing the business plan, and implementing it in a time-bound manner. And with the Ministry of Rural Development, we are now doing about 20 such projects across country. We are handling more than 10 commodities in various parts. And we have also a huge plan for different value-added products, including millet-based products. इन उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सबसे अहम स्थान पर रखा जाता है। गुणवत्ता को जांचने के दो प्रमुख मानक हैं, अशुद्धियों की मात्रा और नमी की जांच, जिनको सूचीबद्ध तरीके से सेंटरों पर उपयोग में लाया जाता है। संस्थागत बायर्स और कमोडिटी एक्सचेंज के मानकों के अनुसार विभिन्न फसलों के लिए नमी की मात्रा के मानक तय हैं, जिनके अनुसार फसल का मूल्य दर निर्धारित होता है। वहाँ पे जो मुंह में दबा के वो नमी चेक करते थे और यहाँ पे मशीन में चेक करते हैं, तो उसका हमें भी पता लग जाता है, हमें भी तसल्ली रहती है कि इतना हमारी फसल का रेट होगा और कितना कचरा निकला वहाँ पे, तो अपने हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ पे तो हिसाब करके लेते हैं, हमारे सामने साफ करते हैं कि कितना कचरा निकला है, कितनी हमारी फसल है, वो सारा कुछ अच्छा है यहाँ पे। तौल से पहले वाइब्रो सेपरेटर के द्वारा फसल की सफाई की जाती है, जहाँ मंडी में मनमाने तरीके से अशुद्धि बताकर फसल के वजन में कटौती की जाती है, वहीं डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र में कचरा निकालने के बाद तौल कर फसल को खरीदा जाता है। इस खरीद प्रक्रिया से किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिलना भी सुनिश्चित होता है और कमोडिटी की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। The FDRVC ensures and involves multiple interventions through which complete transparency is maintained in the entire value chain. Starting from the farm gate till the market. The digital commodity collection centers, the mobile app for procurement, end-to-end ERP solutions, these are some of the instruments through which this is being made possible. उत्पादक कंपनियों द्वारा स्थापित डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र किसानों को अपने घरों के पास ही सुविधा अनुसार दिन के किसी भी समय उपज बेचने का अवसर देकर बिक्री पर होने वाले उनके खर्च को बचा रहे हैं। साथ ही नमी मीटर एवं इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा से गुणवत्ता एवं वजन डेटा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक डिजिटल एप्लीकेशन को भेजा जाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि किसी प्रकार की मैनुअल एंट्री न हो और किसान को मूल्य निर्धारित करने में पूरी पारदर्शिता हो।
इसके अलावा किसान को लेन देन के विवरण की एक रसीद के साथ एक SMS भी प्राप्त होता है और इसका भुगतान सीधे महिला किसान के बैंक खाते में कर दिया जाता है। इस संतुष्टि के साथ वाजिब मूल्य प्राप्त होने का ही परिणाम है कि उपज की बिक्री जो परिवार के पुरुष सदस्यों का काम माना जाता था उसमें आज महिला किसान भी भागीदारी कर रही हैं। संचालिका का दीदी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, सम्मान करती हैं सभी का, दीदी कहकर बुलाती हैं। और सबसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि इसमें कंपनी में जुड़ने के बाद में हमें वो मौका मिला बाहर निकलने का कि सेंटर पर जा कर के हम गेहूँ दे। लगता नहीं था हमें भी कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे अब लगता है कि हमें कुछ मशीन चलाना जैसे टैप चलाना सब कुछ आसान है क्योंकि अब हम खुद काम कर रहे हैं तो हर महिला काम कर सकती है। वी आर गोइंग फॉर द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ आवर SHG मेंबर्स एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड वी वांटेड सम प्रोफेशनल हेल्प। दैट्स वेयर दिस फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन कम्स इनटू प्लेस। खरीदी गई उपज D3C से कंपनी के वेयरहाउस में भेज दी जाती है। ट्रेसेबिलिटी बैच के माध्यम से पता किया जा सकता है कि ये फसल कौन से D3C से आई है और किस किसान ने उसे बेचा है। ट्रेसेबिलिटी बैच न केवल गुणवत्ता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है बल्कि इन कंपनियों के उत्पाद के प्रति बायर्स में विश्वसनीयता बढ़ाने वाली एक दूरगामी पहल भी है। वी आर टाइंग अप विद ऑल लार्ज प्लेयर्स, मार्केट प्लेयर्स लाइक आवर प्रोड्यूसर कंपनीज आर नाउ सप्लाइंग टू ITC, दे हैव सप्लाइड टू रॉकेट, दे हैव सप्लाइड टू अडानी उल्मर, दे हैव सप्लाइड टू इमामी। So almost all the major big players in the commodity market, they are happy to buy the produce from the producer companies. The whole target is that the maximum percentage of the consumer rupee should flow to the farmer, and therefore reaching out to the consumer in the consumer pack will be a critical intervention for FDRVC, for which we are investing in developing the brands, logos and all strategy for marketing the consumer packs that is happening now. FDRVC देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कृषि उत्पादों से जुड़ी महिला किसान उत्पादक कंपनियों को सुदृढ़, सक्षम और सुचारू बनाकर उन्हें मॉडल FPO के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। सफल महिला किसान उत्पादक कंपनियों के उदाहरण पेश कर इस मुहिम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में आज सफलता की शुरुआत हो चुकी है।